प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। दिल्ली के प्राचीनतम गौरी शंकर मंदिर में हमने इस अवसर पर कुछ रिकॉर्डिंग की। पंद्रह शताब्दी के ये मंदिर हैं और आपा गंगाधर जी से इन्होंने उजागर हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पर में पीपल का पेड़ था, जहाँ से पिंडी हैं, सबसे प्राचीन ये हैं। महाशिवरात्रि के विशेष कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि चार पहर की आरती होती है। रात्रि में 10 बजे की प्रथम श्रृंगार आरती, द्वितीय आरती 12 बजे, तृतीय आरती दुल्हा दुल्हन के रूप में 2 बजे और कैलाश गमन की चतुर्थ आरती 4 बजे। और शास्त्रों में पुराणों में अनेक महत्ताएं हैं, लेकिन मुख्य महत्ता जो है वो ये है कि शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। कृपया बताएं कि इस मंदिर की सामाजिक सेवाएं क्या क्या है। सामाजिक सेवाएं ये, एक तो हम अन क्षेत्र के अंदर जितना हमारा सहयोग बन पड़ता है, हम सुबह से शाम तक अन क्षेत्र के अंदर पूरा सहयोग करते हैं, अनाथालयों में दान देते हैं, गरीब बच्चों के की हेल्प करते हैं और गरीब विधवाएं वगैरह जो हैं उनके लिए हम पूरा का पूरा मंदिर की तरफ से सहयोग करते हैं। गौशाला में भी टाइम समय समय के ऊपर हम दान देते हैं। दिल्ली में आसपास हमने कुछ और मंदिरों में भी श्रद्धा निवेदित किए जाते हुए देखा। इस अवसर पर मंदिरों की सजावट, छटा और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। लोग प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार इस वर्ष भी यह पर्व पूरी आस्था, उल्लास और हर्ष के साथ मनाया गया।